मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, ये नारा 90 के दशक में साहब कांसीराम ने दलित आदिवासी पिछड़े और शोषितों के अधिकार दिलाने के लिए दिया था। लगता है कि अब बीजेपी कार्यकर्ता भी मान्यवर साहब कांसीराम के अनुयायी बन गए हैं। शायद इसीलिए बीजेपी सांसद नरेश शर्मा कह रहे हैं कि अब हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा का बयान वायरल क्यों हो रहा है, पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। आजकल मीडिया में श्रीकांत त्यागी काफी चर्चा में है। कौन है ये श्रीकांत त्यागी और पूरा मामला क्या है, आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि श्रीकांत त्यागी इन दिनों चर्चा में क्यों है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ओमेक सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में श्रीकांत त्यागी महिला के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने इस दौरान महिला के साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की थी। मामला एक जमीन का है, जमीन अपार्टमेंट की है जो श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट के सामने पड़ती है। किसी सातिर भूमाफिया की तरह श्रीकांत की नजर भी इस जमीन पर थी। उसने पहले अपने घर की बाउंड्री तोड़कर उसे कॉमन एरिया वाली जमीन में मिलाया, फिर उस पर बड़े पेड़ लगाए। इसके बाद त्यागी ने जमीन के इस टुकड़े के चारों तरफ पौधे लगाकर जमीन को घेर लिया। इसी सब के बीच काफी विवाद हुआ। सोसाइटी वाले श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ ओमेक सोसाइटी में कल रात को करीब दर्जन भर से अधिक गुंडे उस अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। घटनाक्रम के मौके पर नोएडा सांसद महेश शर्मा पहुंच जाते हैं। महेश शर्मा को देखते ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सोसाइटी में रहने वालों का सांसद महेश शर्मा से साफ साफ कहना था कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। सांसद महेश शर्मा ने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने लोगों के गुस्से को भांपते हुए तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को फोन मिलाकर हालात से अवगत कराते हुए पुलिस की शिकायत कर कहा कि यहाँ हमें शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ सरकार हमारी है। सब्र रखिए, बार बार श्रीकांत त्यागी का नाम सुनकर कौन है श्रीकांत त्यागी ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि सांसद महेश शर्मा का शर्मिंदगी वाला बयान बीजेपी के लिए गले की फांस कैसे बन गया है। पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लखुमार को फोन किया जब रणवीर को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शोषित की देखिए। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि जो गुंडे कल रात अपार्टमेंट में घुसे थे उनमें से एक, जिसका नाम रवि शर्मा बताया जा रहा है, वह बीजेपी युवा मोर्चा का जिला मंत्री है। एक देव नामक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि बीजेपी फॉर इंडिया सांसद महेश शर्मा जिन गुंडों की वजह से शर्मिंदा थे उनमें से एक के साथ उनकी तस्वीर है, नाम है रवि पंडित, खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का जिला मंत्री बताता है। सोचिए इस देश का भला कैसे होगा जब नेता घड़ियाल के आंसू बहाएं और उनके कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी करें, मेरी समझ से परे है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी कोई नेताओं के अपराधों और गुनाहों को छुपाने वाली कोई वॉशिंग मशीन है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथियों अब बात करते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू श्रीकांत त्यागी की। कौन है ये श्रीकांत त्यागी? श्रीकांत त्यागी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायोडाटा में खुद को बीजेपी से संबंध नेता बताया है। सोशल मीडिया पर कई नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी की फोटो भी वायरल हो रही है। ट्विटर पर एक शहीद लारेल न्याजी नामक यूजर ने एक फोटो शेयर कर लिखा है कि बीजेपी ने कहा श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है। बीजेपी जब फंसती हुई नजर आती है तो तुरंत पल्ला झाड़ लेती है। बीजेपी यानी कि बिल्कुल झूठी पार्टी। कहां गया योगी जी का रोमियो दस्ता? डाल क्यों नहीं देते ऐसे जाहिर को जेल में? साथियों ये थे खबर के वो पहलू जो आपके लिए जानना जरूरी थे। अब बात करते हैं इस मामले की नई अपडेट की। नई अपडेट क्या है, क्या कुछ चल रहा है श्रीकांत त्यागी और सांसद महेश शर्मा का सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया। मामले की ताजा अपडेट यह है कि रविवार की रात सोमवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी सोसाइटी पहुंच गया। साथ में हथौड़ा लेकर कर्मचारी भी पहुंचे। महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। उसके अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाते हुए योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। श्रीकांत त्यागी के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर से आरोपी के अतिक्रमण को तोड़ा गया। जी हां साथियों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुना आपने। केवल अतिक्रमण किए भाग पर ही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, न कि श्रीकांत त्यागी की निजी संपत्ति पर। क्योंकि त्यागी जी भाजपा से जो संबंध रखते हैं, इसलिए बीजेपी राज में प्रशासन जनता को गुमराह करने के लिए खाना पूर्ति तो करेगा ही। सांसद महेश शर्मा को जनता को जवाब भी तो देना है। बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद देश भर की महिलाओं को बीजेपी ने नारे के नाम पर चेतावनी दी है कि दम है तो अपने आप को हमारे नेताओं से बचा कर दिखाओ। सोचिए जब कोई नारी घर में ही सुरक्षित नहीं है तो घर से बाहर ऑफिस या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नारियों की क्या हालत करते होंगे ये संगी गुंडे। क्या यूपी सरकार दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। बीजेपी के काले कारनामों से लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।